एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में। आपको बता दें, यूपी ग्राम पंचायत इलेक्शन 2021 को लेकर एक बिल्कुल ताजा खबर निकल कर आ रही है कि यूपी पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान हाईकोर्ट ने आयोग को दिया आदेश। इसी बीच आरक्षण को लेकर भी यह खबर आ रही है कि इस दिन जारी होगी आरक्षण सूची। तो चलिए जानते हैं कि अधिसूचना की खबर आने के बाद किस तरह से तैयारी में जुट गया है निर्वाचन आयोग। इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, यूपी की पंचायत चुनाव की तिथि का ऐलान कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की तिथि निर्धारित कर दी है। इस पर हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि पंचायत चुनाव मई में कराने का प्रस्ताव प्रथम दृष्टया स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट का कहना है कि 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य सरकार पूरा करे, 30 अप्रैल तक प्रधानों को चुनाव करा लिए जाए, जिसके बाद 15 मई तक जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनाव करा लिए जाए, साथ ही 15 मई तक ही ब्लॉक प्रमुख को चुनाव कराए जाए। हाईकोर्ट ने आयोग और सरकार को आदेश देकर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ कर दिया है। निर्वाचन आयोग इसकी तैयारियों में जुट गया है। 30 अप्रैल तक तृतीय पंचायत चुनाव कराने के हाईकोर्ट के निर्देश के मद्देनजर आयोग 42 से 45 दिनों में पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न करने की तैयारियों में जुटा है। हाईकोर्ट के आदेश के तहत राज्य सरकार को 17 मार्च तक सीटों का आरक्षण का भी काम पूरा कर लेना होगा। गौरतलब है कि मई 2021 तक चुनाव कराने की आयोग की मांग को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। न्यायमूर्ति आई एम एन भंडारी और न्यायमूर्ति आर आर अग्रवाल की खंडपीठ ने विनोद उपाध्याय की याचिका को निस्तारित करते हुए आदेश दिया है कि 30 अप्रैल तक चुनाव करा लिए जाए, लिहाजा अब आयोग को 42 से 45 दिनों में ही चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सूत्रों का कहना है कि तैयारी 18 मार्च को अधिसूचना जारी की जाएगी। नियत समय पर प्रक्रिया पूरी करने के मकसद से आयोग प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए एक साथ मतदान कराने पर विचार कर रहा है। इस पर भी विचार हो रहा है कि चुनाव 4 चरणों में कराए जाए। इन चरणों में प्रदेश के अलग अलग 18 मंडलों के जिलों को बांटकर चुनाव कराया जाए या फिर जिले के अंदर ही 4 अलग अलग क्षेत्र बनाकर चुनाव संपन्न कराए जाए। इस पर भी विचार हो रहा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में तृतीय पंचायत चुनाव कायदे से पिछले साल 18 दिसंबर से पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन कोरोना की वजह से इसमें देरी हुई। लेकिन गुरुवार को हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब इसमें और देरी की गुंजाइश नहीं रह गई है। आयोग को 30 अप्रैल तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी करनी ही होगी। पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने कहा कि आयोग हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा में चुनाव कराने के लिए तैयार है। तैयारियों का ब्यौरा देते हुए उन्होंने बताया कि मतदाता सूची प्रकाशित हो चुकी है। 52.50 करोड़ मतपत्र और 90,000 मतपेटियां जिलों में भेजी जा चुकी हैं। अमित स्याही का ऑर्डर भी हो चुका है, लिहाजा अब देरी का कोई कारण नहीं है। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर भी एक खबर आ रही है कि जिन गांव में अब तक नहीं हुआ है आरक्षण, जानिए वे इस बार किसके लिए हो सकती है आरक्षित। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में इस बार होने वाले तृतीय पंचायत चुनाव में आईसी क्षेत्र जिला पंचायतें अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी, जो पिछले 5 चुनाव में अब तक कभी आरक्षित नहीं हो सकी है। राज्य सरकार पंचायती राज निदेशालय से मिले आंकड़ों और प्रस्तावों के आधार पर कुछ ऐसा ही फार्मूला तैयार कराने में